देखिए दोस्तों, ये सवाल एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लिए और 20% वोटर वोट नहीं दिए, यानी कि 20% जो वोटर हैं वोट ही नहीं दिए, 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए यानी कि इनवैलिड, और विजेता जो है वो वैलिड वोट का यानी कि वैध वोट का 60% पाया और वह 5600 वोट से जीता, यानी कि विजेता जो है हारने वाले से 5600 वोट अधिक पाया। तो वोटर लिस्ट की संख्या ज्ञात करें, यानी कि वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम है इसकी हमको संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम दो तरीकों से बताएंगे, पहला डिटेल में और दूसरा थोड़ा शॉर्ट में। तो देखिए डिटेल वाला, मान लेते हैं हम कि वोटर लिस्ट की संख्या क्या है, एक्स, यानी कि वोटर लिस्ट में लोगों के कितने लोगों का नाम है, एक्स लोगों का। अब देखिए दोस्तों, 20% वोटर वोट ही नहीं है, यानी कि जिसका वोटर लिस्ट में नाम था वो 20% वोट ही नहीं दिए, तो कितने वोट दिए, 80% वोट कितने दिए, 80%, 20% वोट ही नहीं दिए, जो वोट दिए उसका 12.5% वोट अवैध घोषित हो गया, 12.5% अवैध घोषित, 12.5% दोस्तों अवैध घोषित हो गया। तो वैध कितना होगा, 100% माइनस 12.5% होगा, ठीक है। इसको कैसे घटाया जाता है, तो 100 में से 12 नहीं घटाया जाएगा, 100 में से 13 घटाया जाएगा। क्यों 13 घटाया जाएगा, क्योंकि अगर हम 100 में से 12 घटा दिए तो 100 में से 12 से बड़ा है ये, 12 से तो बड़ा है ये, 12 से टोटली पूरा बड़ा है ना दोस्तों, इसलिए 13 घटाया जाता है, मतलब कि एक बढ़ा के घटाया जाता है, क्योंकि ये भी अभी घटाना होता है। देखिए तो कितना हो जाएगा, 13, तो 87 सही, और इसमें से ये 87.5% वोटर लिस्ट की संख्या कितना है, एक्स, और 80% वोट दिए, और उसका वैलिड कितना है, 87.5%, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब क्या बोला है कि विजेता वैध वोट का 60%, ये इतना हमारा क्या आया, ये इतना हमारा क्या आया, वैध वोट, वैध वोट, क्यों, क्योंकि देखिए पूरे वोटिंग लिस्ट में एक्स लोगों का नाम है, 80% लोगों ने वोट दिया, उसका 87.5% क्या है, वैध है, तो ये टोटल वैध वोट है, तो इसका 60% किसको मिला है, विजेता को, और इसका तो 60% अगर विजेता को मिल जाएगा दोस्तों, तो 40% हारने वाले को मिलेगा, क्यों, क्योंकि 100% तो होगा टोटल ये, तो 60% अगर विजेता को, तो 40% हारने वाले को। अब देखिए, तो विजेता को हारने वाले से कितना ज्यादा मिला, इसका 20% ही ना ज्यादा मिला दोस्तों, इसका 20% ही ना ज्यादा मिला, क्यों, क्योंकि इसका 60% मिला विजेता को, इसका 40% मिला हारने वाले को, तो विजेता को हारने वाले से कितना ज्यादा मिला, इसके 20% के बराबर ही। तो अब देखिए, तो अब 20% बराबर दिया है, कितने वोट से जीता है, 5600 वोट से। अब इसको हल कर देना है दोस्तों, तो देखिए 80% बराबर क्या होता है, 20% बराबर 1/5, तो 80% बराबर 4/5, क्यों, क्योंकि ये चौगुना तो ये भी चौगुना। अब देखिए दोस्तों, 87.5% कितना होगा, हमको ये पता है कि 12.5% कितना होता है, 1/8, ठीक है, तो 87.5% कितना हो जाएगा, 7/8, कैसे कैसे हो जाएगा, तो देखिए इधर यहाँ पर 7 से गुणा हुआ है, 12 7 84, 84 से ही 7/2%, और 7/2 को फिर हम बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 सही 1/2, तो 12 तो 84 3 87 सही 1/2, और इधर भी 7 से गुणा हुआ, तो ये कितना हो गया, 7/8, या आप ऐसे भी देख सकते हैं दोस्तों, देखिए 100% में से हम 12.5% घटा, 87 सही 1/2, 2%,
ठीक है। तो देखिए 100% मतलब क्या हो जाएगा, 1.5% में से 1/8, तो ये भी हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7/8, ऐसे भी हम देख सकते हैं। तो देखिए साढ़े 87% कितना हो गया 7/8, और गुणे 20% 1/5 बराबर 5600। और इसको कटाना है तो देखिए कैसे कटेगा, इस 28 200, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 8 × 40 = 200, यानी कि x बराबर 200 × 200 बराबर कितना हो गया, यानी कि 40,000। यानी कि वोटिंग लिस्ट में कितने लोगों का नाम है, 40,000, यानी कि वोटिंग लिस्ट की संख्या कितनी है, 40,000। तो अब देखिए दोस्तों इसको हम शॉर्ट मेथड से भी बताते हैं। देखिए दोस्तों हम मान लेते हैं कि 100 यूनिट वोटिंग लिस्ट, हम मान लेते हैं कि वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट लोगों का नाम है। अब देखिए 20% वोट नहीं दिए, तो 100 यूनिट का 20% 20 यूनिट, 20 यूनिट तो वोट नहीं दिए, तो वोट कितने दिए, 80 यूनिट, ठीक है। अब देखिए 80 यूनिट का वोट नहीं दिए और 12.5% वोट अवैध हो गई है, तो वोट दिए और वोट जितने दिए उसका 12.5% अवैध, तो वैध कितना, तो 87%, ठीक है दोस्तों, कुछ दिक्कत नहीं है। 80 यूनिट का तो ये दोनों मिला के 100% होना चाहिए, तो एक 12.5% तो दूसरा 87% होगा ही। अब देखिए ये वोट दिए, ये अवैध, ये वैध। अब देखिए विजेता जो है वैध वोट का 60% पाया, 60% कौन पाया, विजेता, तो 40% कौन पाएगा, हारने वाला, ठीक है दोस्तों। तो विजेता कितने वोट से जीतेगा, 60 − 40 = 20%, यानी कि 80 यूनिट का 87% का 20% बराबर होगा 5600 के। तो देखिए अब वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट लोग हैं, 80 यूनिट का दोस्तों 87% का 20% कितना होगा, 5600। अब इसको कटा देंगे तो भी आंसर आ जाए, ये 80 यूनिट है और 87% 7/8 × 1/5 बराबर कितना है, 5600। तो इसको कटा दिए 80 × 7 = 560 हो गया, तो यानी कि 560, यानी कि यहाँ पर केवल क्या बचा, 10। और तो यहाँ पर देखिए एक यूनिट बचा है, एक यहाँ पर ये यूनिट बचा है, एक यूनिट बराबर 8 × 40 = 400, ठीक है। तो हम वोटिंग लिस्ट में कितने माने हैं, 100 यूनिट, 100 यूनिट बराबर 400 और ये 20 और, ठीक है दोस्तों। तो कुछ दिक्कत हुआ तो कमेंट जरूर कीजिए।